सभी सदस्यों को नमस्कार। आज एक विशेष इशू पर मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ। ये होता है कि जो क्लर्क का जो प्रमोशन है, 28 मार्च को एक लेटर इशू करता है DGR से, जिसमें लगभग 20 जो है क्लर्कों का प्रमोशन है नायब सूबेदार के लिए, जिसमें 13 जो है हवलदार क्लर्क से डायरेक्ट जो है नायब सूबेदार क्लर्क बन गया है। मुझे कई सारे लोगों से जो है मुझे उस लेटर को फॉरवर्ड किया लोगों ने व्हाट्सएप में, मेरे को पूछने लगा कि सर इस पर इसको बताइए, हमें तो वारंट ऑफिसर बनने के बाद ही जो है नायब सूबेदार मिलता है, एक क्लर्क जो है कैसे हवलदार से बिना वारंट ऑफिसर के जो है बन गया नायब सूबेदार। तो उनका कहना भी जो है ठीक था, तो मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया। तो सबसे पहले मैं आपको जो है लेटर ही दिखाता हूँ, जिस जो लेटर के ऊपर जो है कंट्रोवर्सी चला हुआ है। ये देखिए, जो सामने जो आपको दिख रहा है ये चिट्ठी है, ये 28 देखिए 28 मार्च का है चिट्ठी, ऑर्डर निकला हुआ है ये प्रमोशन क्लर्क करके, प्रमोशन इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग वारंट ऑफिसर अब्लिक हवलदार क्लर्क टू द रैंक ऑफ नायब सूबेदार क्लर्क आर हियर बाय ऑर्डर्ड विद डेट ऑफ प्रमोशन एज सोन अगेंस्ट ईच। और इसमें मैंने देखा है कि टोटल जो है जो ये प्रमोशन हो रखा, देखिए कई सारे हवलदार है, देखिए हवलदार क्लर्क हवलदार क्लर्क हवलदार क्लर्क, उसके बाद वारंट ऑफिसर, फिर हवलदार क्लर्क हवलदार हवलदार वारंट ऑफिसर, फिर हवलदार हवलदार, यानी 13 जो हवलदार क्लर्क का जो इस लेटर में जो है प्रमोशन हुआ है नायब सूबेदार रैंक के लिए। तो उसके बाद जो है आपने देखा होगा चिट्ठी अभी, उसके बाद जो मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया, मैंने पाया देखिए पहले क्या था कि शुरू में वारंट ऑफिसर का रैंक मिला था, ये लोग कोर्ट वगैरह में गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4th सेंट्रल पे कमीशन में असम राइफल्स को सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल जो है CAPF बन गया है, तो वो उसमें डाला था। तो उस वक्त क्या थे देखिए, जब BSF CRPF वगैरह में जो है क्लेरिकल जो है ASI रैंक होता था, जबकि यहाँ जो है लेंसनेक ग्रेटर, एक्चुअल में बाद में हमने पता चला कि लेंसनेक ग्रेटर क्लर्क में आते नहीं है, जब नायक क्लर्क जो स्टार्ट होता है वो है क्लेरिकल से होता था। देखिए तो उन्होंने जो पहला वो ट्रेड था असम राइफल में, जिन्होंने कोर्ट में गया, क्योंकि उनका जायज था। देखिए क्योंकि जब हमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है, पे कमीशन ने रिकमेंडेशन किया हुआ है, तो वो जो रैंक भी मिलना जरूरी था। तो उन्होंने हाई कोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए चले, उनको जो है वारंट ऑफिसर लागू के, जैसा आप सभी को पता है वो JCOs का वो तरह जो है उनको मानते थे, JCO क्लब में एकोमोडेशन वगैरह होता था, तो स्टार्टिंग था देखिए। उसके बाद जो है अभी मुझे पता चला है कि जो RP 2003 जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जो है वारंट ऑफिसर का जो रैंक है इनका निकाल दिया, देखिए वो हवलदार से जो है हवलदार है, उसके बाद जो है नायब सूबेदार ऐसा करके, फिर कुछ जो 87 जो लोग जो है क्लरिकल स्टाफ जो हवलदार से उनको जो नहीं दे रहा था प्रमोशन, जो पहले जो बना हुआ था वारंट ऑफिसर वही था असम राइफल में, तो 87 लोग जो गए कोर्ट में और उन्हीं लोग को जो है अभी वारंट ऑफिसर दिया हुआ है, बाकी को नहीं दिए रखा है। देखिए जबकि और ट्रेड में भी ऐसा है करके बता रहे हैं मुझे, जहाँ की वारंट ऑफिसर नहीं है, हवलदार से डायरेक्ट नायब सूबेदार होता है, लेकिन जो GD जो पर्सनल है, जो बिल्कुल जो है बैकबोन होता है असम राइफल का, मैंने जैसा पहले भी बता रखा हूँ कई बार, जो भी नेशनल वार मेमोरियल में जो भी जिनके जो गैलेंट्री का जो होता है मैक्सिमम 98% कहूँ, क्योंकि बीच में कोई सिग्नल जो आपके मेडिकल के भी होते हैं जो ऑपरेशन में जाकर काम होते हैं, जैसे कि हमने देखा एक वायरलेस ऑपरेटर पूर्व पोस्ट में जिसको अशोक चक्र Class 3 मिला था, वो सब जो है बहुत ही रेयर का मात्रा कम है, क्योंकि मैक्सिमम क्या है जो चावल हम खाते हैं फूड, उसका जो स्टेपल फूड कहते हैं चावल या रोटी, वो है GD सिपाही। उनमें जो है पहले क्या था कि हवलदार से डायरेक्ट नायब सूबेदार बनता था। तो ये जो रैंक वारंट ऑफिसर का जो इंट्रोड्यूस किया, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये जो दिल्ली पुलिस के चलते या जो जब दिल्ली पुलिस का रैंक स्ट्रक्चर वगैरह लागू करने के लिए बताया, तो वहाँ जो था कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के बाद ASI हुआ करता था, जबकि CAPF में भी जो है GD पर्सनल का हेड कांस्टेबल से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर होता था जो नायब सूबेदार के बराबर। वो जो मीटिंग में डिसाइड किया और असम राइफल में भी वारंट ऑफिसर जारी कर दिया ASI के चलते, बहुत ही घाटा हुआ है, अभी तक घाटा में है वो लोग, क्योंकि इतने साल सर्विस करने के बाद जो है मुश्किल से वारंट ऑफिसर तो कोई रैंक में शामिल नहीं, ना कि उनका तनख्वाह ज्यादा है, केवल हवलदार से इनको नायब सूबेदार बनाना चाहिए था लेकिन वो बना नहीं रहा है।
और ये जो रैंक, किसी रैंक में जो है कोई कोर्ट में जा रहा है, देखिए कोर्ट में जाके वारंट ऑफिसर लेके आ रहा है, कोर्ट में जाके नए सदर लेके आ रहा है, तो डीजीआर क्या कर रहा है? ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इतना बड़ा सा, उनका अपना पॉलिसी क्यों नहीं बनाया, बना रहे हैं लोग? यूनिफॉर्म तरीके से जो है रैंक स्ट्रक्चर लागू करना चाहिए फौज में हर ट्रेड का। किसी ट्रेड में हवलदार से डायरेक्ट नए सदर बन रहा है, किसी ट्रेड में जो उसके वारंट ऑफिसर दे रहा है, उसके बाद जो लगभग उनका सर्विस कंप्लीट हो जाता है, बिना जेसीओ बने वो घर जा रहे हैं। देखिए ये जो है डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है। मैं डीजीआर से कहूंगा कि ये जो अभी कैडर रिव्यू जो चल रहा है, जो लेटर मुझे मिला था कि कैडर रिव्यू चल रहा है, उस कैडर रिव्यू में जो हम पूरे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको एड्रेस करेंगे, तो ये एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और स्पेशली मैं कहता हूँ कि जो जनरल ड्यूटी जो ट्रेड है असम राइफल में, वारंट ऑफिसर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनका जैसे हवलदार से नायब सूबेदार का रैंक देना चाहिए, ना कि वारंट ऑफिसर। इसके ऊपर जो है कि यूनिफॉर्म जो है डिसीजन लेना है डीजीआर ने लेना चाहिए, ये ना कि जो कोई जो कोर्ट में जा रहा है उसको दे रहा है, जो कोर्ट में नहीं जा रहा उसको नहीं है। किसी ट्रेड में जो पहले वारंट ऑफिसर था बाद में उसको निकाल दिया गया, पता नहीं क्या इसमें चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन इतने सारे लोग जो है मुझे बताया, सर इसके ऊपर हाईलाइट कीजिए, क्योंकि आरेवा ऑल इंडिया है जो वेलफेयर ओरिएंटेड है, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ ये वीडियो, और बहुत ही ज़रूरी है। मुझे पूरी आशा है कि डीजीआर जो इसके ऊपर गौर करेंगे, और जीडी पर्सन और जो भी ट्रेड है जहाँ पे वारंट ऑफिसर के कारण जो है उनका प्रमोशन आगे नायब सूबेदार में काफ़ी डिले हो रहा है, मैं चाहूँगा कि इस ट्रेड को ही निकाल के फेंक दीजिए वारंट ऑफिसर। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कोर्ट में तो एक फैसला आना है, जो पहले हमको मिलता था वही काम आज भी हम कर रहे हैं, जो फोर्थ पे कमीशन में गलती से जो है बिल्कुल बिना सोचे समझे बिना अनालिसिस किए हुए असम राइफल को सीपीओ में डाल दिया था। और अभी जो है लोग बोल रहे हैं, कभी सीएपी बोलता है कभी बोलता है सीपीओ, पैरामिलिट्री है, मतलब कंफ्यूजन चल रहा है। इसका तो फाइनली कोर्ट द्वारा या सरकार जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी होगा, लेकिन अभी भी जो है इसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। इतना कहते हैं, मुझे पूरी आशा है जो भी जीडी पर्सन है घबराने की जरूरत नहीं है, जो जिन्होंने भी मुझे जो काफ़ी मात्रा में जो है मुझे लेटर व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया था, उन सभी का जो ग्रीवियंस था उसको मैं अभी एड्रेस कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग सभी समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।